कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए इस निकाय चुनाव में मुद्दों का शोर नहीं है, जातियों का ही शोर सुनाई दे रहा है। ओबीसी वोट बैंक को हर किसी ने अपना टारगेट बनाया हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। विघ्नेश, हम सबसे पहले तो आपको ये कह रहे, हमारा संगठन विधानसभा से ही से काम कर, और जिसके निर्णय जनता का मत रहा वो आपको होते दिखा भी कि जहां हम 47 सीट थे वहां से हम 111 कुल मिलकर 125 हो गए, और आपने ये भी देखा कि हमने 36% का मत प्राप्त किया, जबकि हम 4 बार सरकार में बनाए तब हमारे पास इतने मत नहीं थे, यानी कि 13.5% मतों की अभिवृद्धि समाजवादी पार्टी ने अभूतपूर्व अपने नेतृत्व के तहत अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बलबूते प्राप्त किया था। तो इसमें आपको हम निश्चित रूप से एक बात कह सकते हैं कि संगठन हमारा बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, मिसाल से बनी हुई पार्टी है, इनके पन्ने पे ही पन्ने प्रमुख होते हैं, अगर ना होते तो क्या हिमाचल हार जाते, क्या ये दिल्ली एनसीपी हार जाते, क्या दिल्ली हार जाते, क्या ये पंजाब हार जाते, क्या पश्चिम बंगाल हार जाते। तो ये इनकी एक शकुनतुतिया कलानाम है कि ये 365 दिन और 24 घंटे ये मेहनत करते हैं, लेकिन आप देते क्या है। प्रश्न इस बात का कि हमारे मित्र ने इस बात को कहा कि वो अंत्योदय पे काम करते हैं, नहीं, ये अंत्योदय पे काम करते ही नहीं करते, ये अंत्योदोहन पे काम करते हैं कि कैसे किसी मनुष्य के रक्त का टुकड़ा उसके अंतिम कण तक कर लिया जाए। उसका मिसाल है ये डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और इन्होंने मेयर में भी अपने 14 जो है वो जीते थे, बावजूद उसके क्या हुआ आप बताइए। इन्होंने एक फर्जी सर्वे कराया, फर्वी सर्वे करवाने के बाद इस कंपनी को दे दिया, उसने भ्रष्ट तंत्र किया, उसने लूटपाट की, और घर बैठे इंसेट के थ्रू सबके घर की मैपिंग कर ली। जब स्वतः कर प्रणाली उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है, जिसके अंदर किचन से लेकर के लॉबी और शौचालय और कोटिको ये टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपने सबूके मकान का कैसे टैक्सेशन कर दिया, जबकि आपने टैक्स प्लेस जो छोटा कर उसको बदला नहीं, और 3 गुना से 10 गुना का टैक्स इन्होंने करने का काम किया। इतनी महंगाई, बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर है, ऐतिहासिक रूप से है, केवल ये एजेंडा की सरकार है, ये प्रचार तंत्र की सरकार है, इन्होंने प्रचार से डिजिटल इंडिया डिजिटल यूपी करने का काम किया, और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बनारस से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों ने बेरोजगारी दिवस मनाने का काम किया, ये जनता के सामने है। जिस तरीके से कुएं का समाधान ये करने की बात करते थे, झाड़ू पकड़ के खिंचवा लेने से झाड़ू नहीं लगता है, प्रधानमंत्री जी एक प्रोपेगेंडा के मालिक है, एक प्रोपेगेंडा सरकार चलाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? नहीं कपिल जी, बीजेपी ये कहती है कि जब विपक्ष जीतता है तब कमियां नजर नहीं आती, और जब बीजेपी जीतती है तो आप दबदबे की सरकार, कुशासन की सरकार, गड़बड़ी की, ये सब आरोप लगाते हैं, तो क्या ये आपको बात ठीक लगती है कपिल जी? विघ्नेश, मैं पहले अपनी पूरी बात कह लूं, इसके जवाब दे लूं। जो पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में सूखा कूड़ा और गीला कूड़े के निस्तारण के लिए गाड़ियां खरीदी गई है, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। उन गाड़ियों की क्वालिटी देख लीजिए, 5 टाइम्स मोर पे है, और सबसे बड़ी बात वो भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है, जो अंत्योदोहन का इनका विचार चल रहा है उसके साथ 100 रुपए से 300 रुपए का जो है कूड़ा निस्तारण का अलग से टैक्स नगर निगम सबू के उत्तर प्रदेश वासियों से ले रहे हैं। ये अद्भुत है, जब आदमी गिर कर दे रहा है, जल कर दे रहा है, सीवर कर दे रहा है, स्वच्छ दे रहा है, अधिभार दे रहा है, उसके बाद आप इस तरीके का काम करके जनता का शोषण कर रहे, जहां आप महंगाई कम नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे, ऐसे भी सेक्टर आपका कमाल हो चुका है, केवल दिखाने के लिए आप 36 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं कि हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन धरती पर 6 साल में जो है 100 करोड़ रुपए का ये लेकर के नहीं आ पाए, यही हकीकत है। भ्रष्टाचार की सरकार क्या नहीं है, मुर्दों की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में, मुर्दों का ट्रांसफर हो रहा है पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में, जो हायर कमेटी की जांच बैठती है उसमें 1 हफ्ता पहले जो अनिल श्रीवास्तव रिटायर हो चुके हैं अधिकारी, उनको बताया जाता है दोषी को कि आदेश के 1 हफ्ता पहले रिटायर हो चुके हैं, और आज तक कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके, जिसके मंत्रिमंडल के मंत्री कहे कि हमें ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, हमें जानकारी नहीं है, उस सरकार के मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरीके की ये बात करते हैं, बिजली किस हद पे इन्होंने महंगा किया, क्या इन्हें अपने संकल्प पत्र का वादा याद है, 2022 में इन्होंने कहा था किसानों को बिजली का बिल माफ और उत्तर प्रदेश की जनता का बिजली का बिल हाफ, लेकिन इन्होंने अधिभार और सरचार्ज लगा करके बिजली के यूनिट को महंगा करने का काम किया है, और अभी समीक्षा चल रही है, इस इलेक्शन के बाद
तीन से दस गुना मकान का टैक्स होगा, वही आप तमाम तरह के छत और अधिकार देखेंगे और साथ ही बिजली की जोड़े भी महंगी हो जाएगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विकास में जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, ये लोकल इशू है, इन्हीं मुद्दों पर नगर निकाय चुनाव होता है, इन पर आप जवाब दीजिए जल्दी से। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय ज्यादा बेहतर है कि आंकड़ों की जुबानी चीजों को समझा जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की 2012 से लेकर के 2017 तक सरकार थी और प्रधानमंत्री आवास के तहत केवल 17,000 आवासों का इन्होंने चयन करने का काम किया था, उसके लिए लाभार्थी सूची बनाने का काम किया था, बनाया एक भी मकान। लेकिन केवल 5 वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में केवल नहीं, नगरीय क्षेत्रों में केवल, ग्रामीण क्षेत्रों में कहेंगे तो 45 लाख से ज्यादा आवास, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 17,05,000 आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने। क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के चुनाव की बात हो रही है, इसलिए मैं जो भी आंकड़े बताऊंगा वो नगरीय क्षेत्र के केवल बताऊंगा। 9 लाख हमने शौचालय नगरीय क्षेत्र में बनाने का काम किया है, 70,000 सामुदायिक जो शौचालय होते हैं वो 70,000 सामुदायिक शौचालय बनाने का काम किया, पिंक टॉयलेट बनाने का हमने काम किया। यानी उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र को कैसे साफ सुथरा किया जा सके, झुग्गी झोपड़ियों की समस्या से इसको निजात दिलाई जा सके, आवास बनाने का काम किया है, खुले में शौच से जो गंदगी फैलती है उससे निपटाने के लिए शौचालय बनाने का काम जो केंद्र की योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने किया है, अमृत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आधारभूत संरचना को कैसे विकसित किया जाए, चाहे वो पेयजल का मसला हो, चाहे वो सीवरेज का मसला हो। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि नाली खड़ंजे बजबजाती हुई सड़कें फैला हुआ कूड़ा ये उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज चाहे वाराणसी को आप देखिए, चाहे प्रयागराज को आप देखिए, एक मॉडल के तौर पर हमने डेवलप करने का काम किया है। क्योंकि ये वो शहर है इनमें बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट बाहर से आते हैं और उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती थी, लेकिन वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों को आज जिस तरह से सजाया और संवारा है भाजपा के नगर निगमों ने वहां पर, इसके कारण से हम इस पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं टैक्स पर जवाब नहीं देंगे, आपकी ही सरकार में टैक्स कई गुना बढ़ गया है। लेकिन टैक्स को हमेशा अनुपातिक आधार पर देखा जाए, क्या देश की आजादी के समय जो टैक्स था इंपोज किया गया था, क्या वो समाजवादी पार्टी की सरकार आते आते तक नहीं बढ़ा है क्या? देखिए हर सरकार में अनुपातिक आधार पर टैक्स का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन टैक्स के साथ साथ सुविधाएं किस तरह से बढ़ी, सुविधाएं किस तरह से बढ़ी, और केवल इतना ही नहीं, अब पर्यावरण के प्रति कितने जवाबदेह है, प्लस ये महत्वपूर्ण है कि अब पर्यावरण के प्रति कितने जवाबदेह है। प्लास्टिक जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया सिंगल यूज प्लास्टिक को आप बंद करिए, आज सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद करके नगर निगम क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया है, यानी पर्यावरण को केंद्र बिंदु में रख करके कभी संवाद नहीं होता है। और हमने देखा है कि कैसे दिल्ली में क्या हालात हो जाते हैं पर्यावरण को लेकर के, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नगर क्षेत्र तुलनात्मक रूप से आपको पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली दिखाई पड़ेंगे, आज चाहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो या स्वच्छता को लेकर के आग्रह हो या सिंगल प्लास्टिक जैसी चीजों को लेकर के बैन करने का काम। ठीक है राकेश जी, देखिए आपने कितना काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश की जनता ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपको सुन रही है, आपकी सरकार ने क्या काम किया है, अब उनके पास मौका आने वाला है उसमें हिसाब हो जाएगा, और जो कपीश जी कह रहे हैं आपकी भी बात का भी हिसाब हो जाएगा, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, किसने कितना काम किया है वो तय हो जाएगा और 13 मई को नतीजे आने ही है इसके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।